बच्चों चलिए अब हम उदाहरण सात पे गौर करें। उदाहरण सात का चित्र आपके सामने है, इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिया हुआ है और पी ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू सी डी का मध्य बिंदु है, ये भी हमें दिया हुआ है। और ऐसा होने के बाद हम ए क्यू से मिला रहे हैं और क्यू को बी से मिला रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम डी को पी से मिला रहे हैं और सी को भी पी से मिला रहे हैं, यानी भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी से हमने डी और सी को मिलाया और वैसे ही डी सी के मध्य बिंदु क्यू से हमने ए और बी को मिलाया। तो ऐसा करने पर कुछ चतुर्भुज हमारे सामने बन रहे हैं। आप देखिएगा ये जो हरा रेखाखंड है और ये जो लाल रंग का रेखाखंड है, इन दोनों का मिलाए तो देखें कि वो क्यू सी और ए पी को मिलाते हुए एक चतुर्भुज बना रहे हैं। आप देखिए जरा ए पी पी सी सी क्यू और क्यू ए, यानी ए पी सी क्यू एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें यह बताना है कि ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है। वैसे ही आप इधर इस लाल रंग के रेखाखंड को देखें, पूरे रेखाखंड को, और यहाँ हरे रंग के रेखाखंड को देखें, जो चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के हिस्सों के साथ मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं। इसे आप डी पी बी क्यू के नाम से देख रहे हैं आप। तो ये चतुर्भुज दूसरा चतुर्भुज है, इसे भी हमें सिद्ध करना है कि समानांतर चतुर्भुज है। और आप देखिए ये दो लाल रेखाखंडों और दो हरे रेखाखंडों के बीच ये एक चतुर्भुज यहाँ बन रहा है, जिसे आप एस पी आर क्यू कह सकते हैं। ये तीसरा चतुर्भुज है, इसे भी हमें सिद्ध करना है कि यह भी समानांतर चतुर्भुज है। तो तीन चतुर्भुज यहाँ जो निर्मित हो रहे हैं, उन तीनों के बारे में हमें बताना है कि ये समानांतर चतुर्भुज है। और हमें जो जानकारी दी गई है वो दी हुई है कि ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें पी ए बी का मध्य बिंदु और क्यू डी सी का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले चतुर्भुज ए पी सी क्यू पर ध्यान दें। चतुर्भुज ए पी सी क्यू के बारे में हम बात करें। अब देख रहे हैं कि ए बी और डी सी समानांतर है, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के दो भुजाएं हैं, इसलिए ए पी भी क्यू सी के समानांतर होगा। तो पहली बात तो हम लिख लें कि ए पी समानांतर क्यू सी, क्योंकि ये दोनों ही समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने के भुजाओं के हिस्से हैं और इसलिए बराबर हैं। और अभी हमने देखा था कि चूंकि ए बी और डी सी समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं, अभी आपने एक प्रमेय देखा था कि किसी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाओं के जोड़े बराबर भी होते हैं और समानांतर भी होते हैं, यानी ए बी और डी सी आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर डी सी। और चूंकि क्रमशः P और Q उनके मध्य बिंदु हैं, इसलिए AP AB का आधा होगा और वैसे ही QC DC का आधा होगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि 1 बटे 2 AB बराबर 1 बटे 2 DC और 1 बटे 2 AB यानी आप AP लिख सकते हैं। तो आप लिखिए AP बराबर 1 बटे 2 DC, 1 बटे 2 DC के बदले आप QC लिख सकते हैं। तो आपको मिला कि AP और QC दोनों बराबर भी है। यहां से आपको मिला था ए पी और क्यू सी समानांतर है और यहां आपको मिला ए पी और क्यू सी दोनों बराबर हैं। और इन दोनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज ए पी सी क्यू है वो बराबर होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था 11.7 प्रमेय को याद करिए, उसमें ये बात हमने सिद्ध की थी कि किसी चतुर्भुज में यदि आमने सामने के भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है और समानांतर भी है, तब चतुर्भुज समानांतर होता है। और आपने ए पी सी क्यू में दोनों बातें सिद्ध कर दी, इसलिए आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। ठीक ऐसे ही आप इस दूसरे वाले चतुर्भुज पर गौर करिए। चतुर्भुज इसको हम लिख सकते हैं, इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, दूसरा चतुर्भुज है डी पी बी क्यू, डी पी बी क्यू। इस चतुर्भुज को देखिए, अब यहां लिख सकते हैं, यह तो पहला आपने प्रूफ किया, दूसरे को देखिए, हम चतुर्भुज डी पी क्यू डी पी बी क्यू की बात कर रहे हैं। चतुर्भुज डी पी बी क्यू में यहां आप देखिए फिर से डी सी और ए बी समानांतर हैं
और डी क्यू और पी भी क्रमशः उनके हिस्से हैं, तो आप लिख सकते हैं कि डी क्यू समानांतर पी क्यू, डी क्यू समानांतर पी बी के। इस चतुर्भुज में ये जो डी क्यू हिस्सा है वो इस पूरी भुजा डी सी का हिस्सा है और पी बी इस पूरे ए बी का हिस्सा है। तो चूंकि डी सी और ए बी समानांतर है इसलिए आप कह सकते हैं कि डी क्यू और पी बी भी समानांतर होंगे। तो डी क्यू और पी बी समानांतर हैं। अब चूंकि अभी आपने देखा था यहां कि डी सी और ए बी बराबर है, ए बी और डी सी आपने बराबर सिद्ध किया था, इसलिए उसका उसके आधे हिस्से फिर से बराबर हैं। तो अब की बार आप इन आधे हिस्सों को लें तो आप कह सकते हैं कि डी क्यू बराबर भी है इस पी बी के। अब आप देखिए कि एक ऐसा चतुर्भुज आपके सामने है जिनमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी है और समानांतर भी है। आप दोनों बातें हैं लिख रहे हैं कि दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं और आपस में बराबर भी हैं। इन दोनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप इसके बारे में सोचिए, पी आर क्यू एस या एस पी आर क्यू के बारे में सोचिए। यहां क्या क्या जानकारियां आपके पास है? तीसरा जो हिस्सा हमारे सामने है वो है पी आर क्यू एस भी समानांतर चतुर्भुज है। पी आर क्यू एस यानी बीच में जो चतुर्भुज बन रहा है इसके बारे में हमको बताना है, समानांतर चतुर्भुज है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे आप। ये तीसरा हिस्सा है हमारा जो हमको सिद्ध करना है। अभी आपने इस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किया और इसे भी आपने समानांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। तो आप देखिए जो हरी लाइन है वो इस लाल लाइन के समानांतर है, क्योंकि ये पूरा चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, यानी क्यू बी डी पी के समानांतर है। और ठीक इसी तरह से चूंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है इसलिए ए क्यू पी सी के समानांतर है। तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं रेखाओं का हिस्सा है पी आर और एस क्यू और इनका हिस्सा है एस क्यू और पी आर। तो इस बात को हम जरा लिख लें कि हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे। तो चूंकि ए पी सी क्यू समानांतर चतुर्भुज है, अभी आपने सिद्ध किया है कि ए पी सी क्यू समानांतर चतुर्भुज है इसलिए ए क्यू समानांतर पी सी के, ए क्यू समानांतर होगा पी सी के, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं और इस कारण इनके हिस्सों को भी आप समानांतर कह सकते हैं। यानी पूरे ए क्यू को लेने के बजाय आप एस क्यू लें और पूरे पी सी को लेने के बजाय आप पी आर लें, तो आप कह सकते हैं कि एस क्यू समानांतर है पी आर के, इसलिए एस क्यू समानांतर है पी आर के। ये कथन आपको मिला। ठीक इसी तरह से देखिए चतुर्भुज पी बी क्यू डी में आपने सिद्ध किया था कि चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, यानी डी पी समानांतर है क्यू बी के। चूंकि डी पी समानांतर है क्यू बी के, फिर से देख लीजिए आप इस चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं। इस चतुर्भुज में अभी हमने सिद्ध किया कि समानांतर चतुर्भुज है इसलिए ये भुजा डी पी जो लाल रंग से दिखाई पड़ रही है और भुजा क्यू बी दोनों एक दूसरे के समानांतर है, इसे हमने यहां लिख लिया। इसलिए इनका जो हिस्सा है, ये जो टुकड़ा दिख रहा है वो उसी रेखाखंड का हिस्सा है। तो आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि यदि ये और ये समानांतर हैं तो ये और ये भी समानांतर होंगे, यानी एस पी क्यू आर के समानांतर है। एस पी समानांतर क्यू आर, ये दूसरी महत्वपूर्ण लाइन है जो आपके पास आई है। अब आप देखिए एस क्यू समानांतर पी आर के, एस क्यू समानांतर पी आर के और एस पी समानांतर क्यू आर के, एस पी समानांतर क्यू आर के। यानी एक ऐसा चतुर्भुज आपके सामने मिल रहा है जिसमें आमने सामने भुजाओं का ये जोड़ा भी समानांतर है और ये दोनों रेखाखंड भी समानांतर, ये दोनों भुजाएं भी समानांतर हैं। तो पी आर क्यू एस एक ऐसा चतुर्भुज मिल रहा है जिसमें आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े, दोनों युग्म समानांतर हैं। ये जोड़ा
पी आपस में समानांतर है और ये जोड़ा भी आपस में समानांतर है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी आर क्यू एस जो यहां आपने लिखा था, चतुर्भुज पी आर क्यू एस समांतर चतुर्भुज है। और ये आपने तीसरी चीज को भी सिद्ध कर लिया। तो ये एक बहुत ही मजेदार उदाहरण आपके सामने आया जिसमें आपने समानांतर चतुर्भुज के गुणों का इस्तेमाल किया और इसे प्रूफ किया। तो एक बार कोशिश करिए, आप इसे बहुत आसानी से और बहुत मजे के साथ कर लेंगे।